इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने लावा जेट 3 के मोबाइल फोन में एक सेटिंग मिल रहा है नेविगेशन बार का, तो आप इस सेटिंग को इनेबल करके इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सेटिंग आपको मिलता है कैसे, कहाँ पर, जब आप अपने लावा जेट 3 मोबाइल फोन के सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाकर जब आप नीचे आएंगे तो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इसमें नीचे आना होगा। नीचे आते जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखिए दोस्तों मिल जाता है यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन का, इस पर क्लिक करना है। फिर अगर आपके फ़ोन में ये 3 बटन नेविगेशन सेलेक्ट है तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ नेविगेशन बार का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। इसमें देखिए ये नेविगेशन बार वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें दोस्तों देखिए क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो दोस्तों देखिए आपका 3 बटन तो यहाँ पर रहता ही है, कोने में देखिए यहाँ पर एक और बटन ऐड हो जाएगा। जब ये सेटिंग ऑन रहेगा तो देखिए, जब ये सेटिंग बंद रहता है तो कोने में कोई भी बटन आपको सो दोस्तों नहीं करता है, लेकिन जब आप ऑन कर देंगे तो कोने में एक बटन शो कर जाएगा। अब दोस्तों देखिए इस बटन का क्या यूज होता है। तो दोस्तों जब आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके फोन से ये आपके फोन में दोस्तों नीचे यहाँ पर जो भी बटन होता है वो दोस्तों हाइड हो जाएगा। बैक, होम, टास्क या कोई भी बटन यहाँ पर होगा तो वो हाइड हो जाएगा। और फिर दोस्तों देखिए अगर आपको इस बटन को लाना है तो दोस्तों यहाँ से मतलब कि दोस्तों नीचे से फिंगर को टच करते हुए एक बार दोस्तों फिंगर को ले जाना है ऊपर की ओर, मतलब दोस्तों हल्का सा फिंगर को आपको दोस्तों ऊपर की ओर करना है तो फिर आपका ये सभी बटन यहां पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे और अगर आप इस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहां से सारा बटन हाइड हो जाएगा। और फिर अगर आपको बटन लाना है तो यहां से फिंगर को टच करते हुए हल्का सा करना है ऊपर की ओर तो फिर बटन आ जाएगा। इस तरीके से आप नेविगेशन बार सेटिंग को यूज कर सकते हैं अपने लावा जेट 3 के मोबाइल में। बंद करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप बंद भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।